हेलो गाइस, कैसे हो। मैं मनोज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस गैस स्प्रिंग को किस तरीके से डोर में लगाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास ये लिफ्टअप है, और ये जो लिफ्टअप है हमारा 5 kg का ये है। इसको दोस्तों हम लोग एक किचन के डोर में फिट करेंगे। दोस्तों, आपको दिखाते हैं, ये रहा हमारा डोर और इसी में इसको फिट करना है। तो आपको आज हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको फिट किया जाता है और इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है। दोस्तों, देख सकते हैं यह हमारे पास ये गैस स्प्रिंग। सबसे पहले इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से होता है, उसके बाद इसको फिट करते हैं। इसी टाइप से हमारा ये 5 kg का ये गैस स्प्रिंग है। अभी इसको ओपन करते हैं। और इसमें ये रहा इसका स्प्रिंग जो कि 5 kg का है, और साथ ही साथ इसका ये फिटिंग है जो ऊपर और नीचे की साइड में लगेंगे, और साथ ही साथ इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसके लिए गाइड ये पेपर है। आप इसकी सहायता से इजीली जान सकते हैं किस तरीके से फिट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री में इस डोर को ओपन करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं 90 mm की दूरी पर दोस्तों ये वाला जो ऊपर वाला फिटिंग है आपको लगाना पड़ेगा, इसका सेंटर पकड़ के 90 mm। अगर आप दोस्तों कुछ इस तरीके से थोड़ा हल्का झुकाना चाहते हैं तो आप इसको 100 mm की दूरी पर रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से चलिए फिर हम लोग भी इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कैबिनेट में किस तरीके से आपको इसको फिट करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस डोर की साइज़ देखते हैं कितने का ये हमारा डोर है। ये 24 by दोस्तों हमारा ये 15 inch का डोर है। इसमें हम लोग 5 kg का ये गैस स्प्रिंग को फिट करेंगे। आप चाहे तो इसमें आप 10 kg तक का भी लगा सकते हैं। अगर 5 kg का लगाते हैं तो काफ़ी ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो अभी हम लोग दोस्तों इस डोर को ऊपर कर लेते हैं और इसमें एक सपोर्ट भी लगा देते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा 90 mm का दूरी पर इसको फिट करना था सेंटर में, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये हमारा 9 cm है, यहाँ पे 90 mm कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ऐसा ही मार्क दोस्तों हम लोग इस साइड में भी कर लेते हैं 90 mm पे। और इसके बाद राइट एंगल की सहायता से इसमें एक लाइन लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा फिटिंग होगा ये मालूम नहीं है कितनी दूर पर हमारा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कुछ हिस्सा इस तरीके से, और इसके बाद ये जो हमारी फिटिंग है इसमें से फिटिंग को निकाल लेते हैं और ऊपर की साइड में इसको फिट कर देते हैं, और नीचे की साइड में दोस्तों आपको इसको फिट कर देना है। और इसके बाद इसका हम लोग निशान लगाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमारा फिटिंग का ये हिस्सा है इसको बाहर की साइड में रखेंगे। इसको अंदर की साइड में भी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, फिर भी हम लोग इसको बाहर की साइड में करेंगे। और ये जो इसको हम लोग इसमें सटा करके इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हमारा ये गैस स्प्रिंग ये सीधा है कि नहीं सीधा है। यहाँ से आपको इजीली ये नज़र आ जाएगा कि अपना ये सीधा है कि नहीं सीधा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं सेंटर में हमारी फिटिंग को रखते हुए। यहाँ पर मार्क हो चुका है। कुछ इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इस साइड में भी आते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको सीधा देख लेते हैं। और सीधा देखने के बाद इसमें इसको सीधा देखने के बाद दोस्तों हम लोग सिंपली मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों हम लोग अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसमें
ऑन कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको इसमें टाइट कर देते हैं। इसको टाइट करने वक्त दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है, इसको सेंटर में आपको रख लेना है। इसको भी दोस्तों हम लोग कुछ उसी तरीके से इसको भी टाइट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी फिटिंग है इसको हम लोग दो सूत अंदर रखेंगे। दो सूत दोस्तों इसको अंदर रखेंगे तो हमारा जो डोर प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा अंदर रख देंगे तो थोड़ा सा दोस्तों हमारा नीचे से डोर खुलता रहेगा। इसको दोस्तों अगर आपको और ऊपर रखना है तो इसको आप ऊपर करके मार्क कर सकते हैं 90 डिग्री में। अभी हम लोग इतना ही रख देते हैं और इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद ये जो दूसरा दोस्तों हमारा ये फिटिंग है उसी के हिसाब से हम लोग इसके होल को मार्क कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम लोग इस साइड में से ऊपर से हम लोग माप लेते हैं कितने नीचे पे दोस्तों हमारा ये फिटिंग लगा हुआ है। तो वहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा 11.5 इंच है, तो इस साइड में भी हम लोग 11.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और निशान लगाने के बाद इसको भी दोस्तों हम लोग दो सूत अंदर करके इसमें भी मार्क कर लेते हैं इसको लगाने के लिए। अभी हम लोग होल कर चुके हैं और अभी इसको हम लोग टाइट कर देते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है दोस्तों, इस ऐसा ही आप भी बड़ी इजीली लिफ्टअप को फिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको केवल लाइक ही करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी इस साइड में हम लोगों ने फिटिंग को लगा दिया हुआ है। अभी इस सपोर्ट को निकाल लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देते हैं। अब ये दोस्तों हमारा एक साइड में लगा हुआ है इसलिए दोस्तों ये नीचे आ रहा है। इसको इस साइड में फिट करने के लिए सबसे पहले इस फिटिंग को निकाल देते हैं। यहाँ से आपको इसको ड्राइवर को अंदर करना है और ये दोस्तों इजीली ये निकल जाए। अभी यहाँ पे स्क्रू लगा कर दोस्तों हम लोगों ने टाइट कर दिया हुआ है। अभी इसको भी दोस्तों हम लोग अंदर कर देते हैं। तो ये हमारा जो डोर था ये प्रॉपर ये ऊपर टिक चुका है। अभी इसको बंद करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं ये बंद हो चुका है और इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे इजीली ये खुल जा रहा है। दोस्तों ये जो हमारा लिफ्टअप था वो लग करके रेडी हो चुका है। अभी इसको ओपन करते हैं।
ये काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की साइड में उठ भी रहा है और ये बहुत आराम से दोस्तों ये हमारा बंद भी हो जा रहा है। आप भी इसी तरीके से लैपटॉप को फिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये तरीका हमारा फिट करने का अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।